अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम नाज़रीन टू मसाला मॉर्निंग। एक नए हफ्ते में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, तैयारी ज़ोर शोर में हो रही होगी इंशाल्लाह ताला सबके घरों में। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बनाते हैं, बना के फ्रीज कर देते हैं, लेकिन आई डोंट नो समहाउ मुझे फ्रोज़न चीज़ें नहीं अच्छी लगती। मुझे ऐसा होता है रोज़ का रोज़ इंसान बना ले, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा होता है कि आप थोड़ा बनाएं रोज़ का रोज़ ताज़ा बना लें और इन्जॉय करें, बिकॉज फ्रीज़र की रखी हुई चीज़ों की मुझे लगता है वो बात नहीं आती है। खैर सबकी अपनी मर्ज़ी होती है। आज हमारे शो पे सब कुछ नया बनने जा रहे हैं जो पहले कभी भी नहीं बनाया। एक तो हम बना रहे हैं चिकन मलाई कबाब, एक हम बना रहे हैं कॉन्टिनेंटल चाट और हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के कॉर्न पैटिस। ये कॉर्न पैटिस जो है ये इंडिया में एक जगह है मावलेश्वर पूना के पास ये जगह है और ये वहाँ का स्ट्रीट फूड है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। एक्चुअली ये तीनों रेसिपीज़ आज की जो है ये मेरी नहीं है, मेरे अल्लाह का इतना शुक्र अल्लाह का इतना एहसान मैं कहती हूँ कि लोग पूरी दुनिया में मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, मैं ख़ुद हैरान होती हूँ। और क्यों करते हैं पता नहीं, बेलॉस चाहते हैं, बेलॉस मोहब्बत करते हैं। इन्हीं में से उन्हीं लोगों में से एक बच्ची मेरी ये भी है, अशीन नाम है इसका, मुंबई में रहती है और ये तीनों उसी की रेसिपीज़ है। और जिस तरह एक और है नाज़िया फरान जिसकी मैंने अक्सर रेसिपीज़ कराई है और ये आज अरशीन की रेसिपी है, ये दोनों माँ बेटी हैं जैसा मैं और सुमैरा हैं, इसी तरह ये इनका भी एक जियो है मदर एंड डॉटर का। तो आई वुड लाइक टू थैंक फरीन एंड अरशीन फॉर बीइंग सो जेनरस एंड दे कीप सेंडिंग मी देयर रेसिपीज़। जब देखो कुछ ना कुछ नया बन रहा होता है और वो मुझे मेरे साथ ही रेसिपी शेयर करती हैं, तो थैंक यू सो मच बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह जो आपने अभी नया सफ़र अपना शुरू किया है शादी का, उसमें आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, कामयाबी दे आपके हर काम में जो भी आप करते हो करने जा रहे हो। अल्लाह आपको नेक औलाद से नवाजे, आमीन। और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हो रही थी इनकी रेसिपी पढ़ के, बिकॉज नेचुरली कॉन्टिनेंटल चाट इज़ वेरी डिफरेंट। मैंने कल रात में 10:30 बजे मुंबई का टाइम आ गए, मैंने इनको मैसेज किया, अब इतनी प्यारी बच्चियाँ ये लोग, इन्होंने मुझे फ़ौरन जवाब देती हैं इंस्टेंट। तो फिर मैंने कहा बेटा मुझे ज़रा सा ऑडियो पे समझा दो, मेरी बेइज्जती ना हो जाए इस शो में। तो उन्होंने पूरा मुझे समझाया कि आंटी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करो, इतनी डिफरेंट है ये रेसिपी आप हैरान होंगे। वाइट सॉस के साथ ये बनती है कॉन्टिनेंटल चाट, उसका हम एंड में करेंगे। पहले हम इनकी पहली रेसिपी से स्टार्ट करते हैं चिकन मलाई कबाब से, ठीक है। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करेंगे अपनी रेसिपी चिकन मलाई कबाब। अच्छा, इसका जो पहला स्टेप है मैं घर से करके लाई हूँ आपको। इसके लिए 500 ग्राम मैंने 2 बड़े मुर्गी के सीने लिए थे, इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाला था और इसको हमने बॉईल कर लिया। इतनी देर बॉईल किया 1 कप पानी में कि पानी खुश्क हो गया। जब पानी खुश्क हो गया तो आपने उसको बारीक बारीक श्रेड कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये बाकी की सारी चीज़ें हम उसमें मिला देंगे हमारी चिकन में। क्रीम इसमें 1 पैकेट है, मैं देखूंगी, हालांकि अर्शीन टोल्ड मी कि यू हैव टू यूज़ 1 कप क्रीम, बट आई विल सी बिकॉज मेरे पास इतना टाइम ही होता है। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप आंटी पूरी 1 पैकेट क्रीम यूज़ करना और इस मिक्सचर को बना के आप फ्रीज़र में डाल देना ताकि ये अच्छी तरह से थोड़ा सा फर्म हो जाए, हो वरना आपको इसके कबाब बनाने में थोड़ा मसला होगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा क्रीम कम डालूँ, हालांकि मेरे पास 1 पैकेट क्रीम रखी हुई है। अच्छा ये देखें,
आधा किलो चिकन बॉइल्ड एंड श्रेडेड, ठीक है। अब इसमें मुझे डबल रोटी के 6 स्लाइसेस डालनी है। थोड़ा सा हम पानी में इसको सोक कर लेंगे। अच्छा, इस शी ऑल्सो टोल्ड मी दिस कि ये आप दो तरीके से बना सकते हो। दो तरीके से किस तरह बना सकते हो? अंडे में लगा के फ्राई करें, ठीक है, या फिर नहीं, पहले ब्रेड क्रम्स लगाएं फिर अंडे में लगा के फ्राई करें, ठीक है। या फिर ये है कि आपने अंडे में डिप करना है फिर ब्रेड क्रम्स लगाना है, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको क्रिस्पी वर्जन चाहिए, जैसे बहुत सारे लोगों को क्रिस्पी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो फिर वो अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे और फिर फ्राई करेंगे। या फिर एक्चुअल में ये सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल मलाई की तरह मुँह में घुलते हैं, तो पहले ब्रेड क्रम्स होगा बाद में अंडा होगा, ठीक है, हम देख लेंगे। बहुत थोड़ा सा पानी, जितना ये जज्ब कर ले। आज हमारे शो पे क्रिस्पी फ्राई है, मैं देखूंगी या मैं इसके साथ करूंगी या मैं उसके साथ करूंगी, I'll see। ठीक है, ये हो गया। चिकन चली गई इसमें। अब इसमें हम बाकी की इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। सीजनिंग्स जाएंगे ना, काली मिर्चें जाएंगी इटालिया की 1 टीस्पून, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, उसके बाद इसमें जाएगा ब्रेड स्लाइसेस हो गई, उसके बाद इसमें जाएगा हरा धनिया 1 टेबलस्पून चॉप्ड, हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून चॉप्ड, 5-6 ले लीजिएगा छोटी तेज वाली, क्रीम। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको चॉपर में डाल देती हूँ। ताकि ज़रा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और मुझे हाथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रेड, चिकन, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, क्रश रेड पेपर, चाट मसाला, सब कुछ चला गया। अब क्रीम मैं देख के डालती हूँ। शी टोल्ड मी टू यूज़ द होल पैकेट बट आई विल सी, ठीक है। 1, 2, 3, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं ये पूरी डालूँगी और आके आपको ब्रेक से बताऊँगी, ठीक है जी। जिन्होंने अभी मसाला मॉर्निंग ज्वाइन किया है, आज हम अपने शो पे क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के मलाई कबाब, चिकन मलाई कबाब, और हम बना रहे हैं कॉन्टिनेंटल चाट और कॉर्न पैटिस। ये तीनों रेसिपीज़ मुंबई से ख़ास आप लोगों के लिए फ्लाई करके आई हैं, ठीक है। तो देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी।
जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। आज हमारे शो पे एक नया ब्रांड है, फरा इज़ एन इंटरनेशनल प्रीमियम फ्रेग्रेंस ब्रांड। आई एम रियली फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं परफ्यूम्स, और ये जो रेंज है फरा की, ये आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इसमें लेडीज़ और मैन और लेडीज़ दोनों के अलग अलग रखे हुए यहाँ पे फ्रेग्रेंसेस हैं, और इनको इनका कहना है कि इनको आप रमज़ान में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये यू कैन फाइंड आउट, चेक इट फॉर योरसेल्फ। और ये पूरे पाकिस्तान में नेशन वाइड अवेलेबल है, सारे बड़े बड़े लीडिंग स्टोर्स पे, ठीक है। और फरा हैज़ ग्रेट गिफ्ट सेट, इनके पास एक गिफ्ट सेट्स भी अवेलेबल है जिसमें परफ्यूम भी शामिल है और इसके साथ जेन्युइन लेदर की वॉलेट्स भी शामिल हैं। सो थैंक यू सो मच फरा, आपने मेरे लिए भी भेजा था, मुझे मिल गया था आपका गिफ्ट वॉलेट का और परफ्यूम का, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, ट्राई कीजिए, लेके आइए, ट्राई कीजिए, गिफ्ट्स देने के लिए बहुत अच्छा है। बर्थडेज पे, एनिवर्सरी पे, अब ईद आ रही है, ईद के लिए बहुत अच्छा तोहफा रहेगा, ठीक है। चलें जी, आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हम बना रहे हैं मलाई कबाब, चिकन मलाई कबाब। इसके लिए हम ले रहे हैं इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। इस हफ्ते भी सारी रमजान की रेसिपीज और ड्रिंक्स हैं। आपकी मर्जी है, आप इसको अब आप शेप गोल दे दो। मैं कॉर्न पैटिस, मेरे गोल होंगे तो इसको मैं लंबा करूंगी। अच्छा, इसको हमने रख दिया था फ्रीजर में थोड़ी देर के लिए। ब्रेड क्रम्स, अंडे फिटे हुए, थोड़ा सा इसमें काली मिर्ची और नमक डाल लें, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है फ्लेवर। पिंच अच्छा, मैंने इसमें 4 टेबलस्पून भर के क्रीम डाली है, इतनी बच गई है एक पैकेट में से, ठीक है। मैंने इसके यहाँ रख दी थी ताकि आप लोगों को डालना पूरी है, जब मैं भी घर में बनाऊंगी, आप भी घर में बनाएं तो प्लीज़ पूरी डालिएगा, देखें, बिकॉज ये मलाई कबाब है और जो असल मज़ा है वो इसी से। लेकिन मेरे पास चूंकि टाइम की कमी है, फिर मैं उसको इतनी देर फ्रीज़र में नहीं रख पाऊंगी, मेरे से हैंडल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने थोड़ी कम डाली है, ठीक है। अच्छा, अपने हाथ को आप हल्का सा ग्रीस करेंगे, अभी भी ये सॉफ्ट है, वेरी नाइस। इसके आप लॉन्ग कबाब बना लीजिए। और मैं पहले वही करूँगी जिस तरह मुझसे कहा गया है कि ब्रेड क्रम्स में हम इनको लगाएंगे, फिर हम इनको अंडे में डिप करेंगे और हम इनको फ्राई करेंगे। ये फ्रीज भी हो जाते हैं, ब्रेड क्रम्स में लगा के फ्रीज कर दीजिए, फ्रीजर से निकालिएगा रमजान शरीफ में, अंडा फेंटिएगा, अंडे में फेंट के डिप करके फ्राई। देखें, आधा किलो चिकन में अच्छे खासे बन जाएंगे, बिकॉज हमने 6 स्लाइस डबल रोटी भी तो डाली है ना। रिपीट कर देती हूँ जल्दी से, चिकन लेनी है आपको आधा किलो, मैंने 2 बड़े मुर्गी के सीने लिए थे वजन करके आधा किलो, उसमें मैंने 1 कप पानी डाला, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन, 1 टीस्पून सॉल्ट, उसको बॉईल करने चढ़ा दिया। जब पानी खुश हो गया, मुर्गी के सीने गल गए, आपने उनको श्रेड कर दिया, ठीक है।
श्रेड करने के बाद अब आपको उसमें सारी बची हुई सीजनिंग्स डालनी है। आपने डाला उसमें क्रीम 1 पैकेट टेट्रा पैक की। उसके बाद में आपको 6 डबल रोटी की स्लाइस पानी में भिगो के इतना पानी डालिएगा कि वो उसी में जज्ब कर ले, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद में आपने डालना है इसमें काली मिर्चें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, हरा धनिया चॉप्ड 1 to 2 टेबलस्पून, ग्रीन चिलीज 1 टेबलस्पून चॉप्ड, दैट्स अबाउट 5 to 6 छोटी तेज़ वाली। सबको अच्छी तरह मिक्स किया। थोड़ी सी देर आप फ्रीज़र में लाजमी रखेंगे। हाथ में तेल ग्रीस लगाएंगे, अपने लॉन्ग कबाब बनाएंगे। बनाने के बाद ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे, अंडे में डिप करेंगे और फ्राई करेंगे, ठीक है। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आप भी कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत एहसान, शुक्र मालिक। आज मैं पहली बार आपके इसमें शिरकत कर रही हूँ। मैं आपको रोज फोन मिलाती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपके खाने बनाए हुए बहुत लजीज होते हैं, बहुत अच्छे खाने होते हैं आपके। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत आप लोगों का प्यार है। मुझे गोला कबाब बनाना सिखा दें। अच्छी बात है, मैं बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ, फिर सिखाएंगे, कोई मसला नहीं है। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे, आप बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार का, थैंक यू। खुश रहिए आप सब भी मेरे साथ। ये मैं अंडे में कर रही हूँ, ये असल तरीका है। लेकिन आप अगर चाहो तो पहले अंडा और ब्रेड क्रम्स कर लो, ठीक है। देखते हुए जाएं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वक्त हो चुका है ब्रेक का। आपने देखना है 12:30 तक मेरा साथ देना है। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग, विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आधा किलो में कितने सारे कबाब बन गए। और आज हमारे शो पे एक और नया ब्रांड है सत्तीन का। ये बहुत ही सॉफ्ट किस्म के टिश्यूज़ हैं, ठीक है, 100% कॉटन के इसकी वो है लीव्स हैं, एंड दे आर मेड इन पाकिस्तान। और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आपको इमरजेंसी में भी काम आ सकते हैं, आपको ट्रैवलिंग में काम आ सकते हैं। और अभी इनकी एक नई प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च की है और वो हम जैसी ख्वातीन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, मेकअप रिमूवर। जो हर वक्त मेकअप में हमें जो होते हैं, तो मेकअप रिमूवर बहुत ऐसी चीज़ है जो होना चाहिए लाजमी, तो मेकअप रिमूवर है उनके पास। और सतीन के प्रोडक्ट्स बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत अच्छे हैं, तो आपने भी इंतखाब करिए सतीन का। This is the actual color it should be. एक और बच गया है मेरे पास, एक का बच्चा होगा। अंडा मेरे 2 खत्म हो गए थे, इसलिए मैंने फिर इसको छोड़ दिया। ये भी देखें बेहतरीन सॉफ्ट। और सतीन के भी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल नेशन वाइड इन पाकिस्तान, और ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बाहर। इसके बाद मैं कॉन्टिनेंटल चार्ट पे आ जाऊंगी।
ज़रूर ट्राई कीजिए, देखें इस साल आप लोग कितनी डिफरेंट चीज़ें सीख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, फरमाइए। कैसी हैं आंटी आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है मेरी जान, मैं ठीक। मैंने आज फर्स्ट टाइम कॉल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कॉल मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू, वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। आप बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाती हैं, मैं ट्राई करती हूँ। और मैंने आंटी आपसे पूछना था, आप ये लाहौर में जो क्लास हो रही है आपकी है या नहीं, आप लोग आ रहे? बेटा हालात सही हो जाए इंशाल्लाह फिर ईद के बाद आपको बताएंगे कि क्या प्लान बनाएं। तो ईद के बाद तक पोस्टपोन हो गई है? जी जी, अभी तो नहीं है बेटा, अब तो रमज़ान सर पे खड़ा है, कहाँ से आएंगे जाएंगे। हाँ जी, चले, मैंने आपकी बहुत तारीफ करनी थी, आप माशाल्लाह बहुत, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, हमारे सरों पे सलामत रखे। थैंक यू सो मच बेटा, खुश रहिए आप भी। थैंक यू बेटा, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अपनी पनाह में रखे, आमीन। अच्छा जी, अब मैं आ रही हूँ कॉन्टिनेंटल चार्ट पे, बिकॉज इसका जो एक स्टेप है ना, ये बॉइल्ड होगा, वाइट सॉस बनेगी, सॉरी। तो मैं पहले एक सॉस पैन ले रही हूँ और उसमें मैं सारी चीज़ें इकट्ठी, मैं ये सब नहीं, आपको पता है, सारी चीज़ें वाइट सॉस के साथ डाल के और मैं उसको मक्खन लूँगी। मैं लूरपाक का बेहतरीन ब्रांड है लूरपाक, इट्स अ यूरोपियन ब्रांड, अवेलेबल ऑल ओवर पाकिस्तान और बहुत सारी दूसरी मुल्कों में भी मिलता है। इनके पास बहुत सारी चीज़ें, सॉल्टेड बटर, अनसॉल्टेड बटर, स्प्रेडेबल बटर, सब कुछ है इनके पास, ठीक है। पक्की क्रीम चीज़ भी इनकी है। मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून, दैट्स 2 ounces, 50 grams, ठीक है। 50 grams बटर चला गया। इसके बाद हम इसमें, इसको हम चूल्हे पर से उतार देते हैं पहले। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून फ्लावर, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे क्रीम चीज़ पक्की, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह खुश करे आपको, आबाद करे, आपकी बहुत अच्छी रेसिपी होती है, हम ट्राई करते हैं। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गाय के दाल चिकन मैंने बनाई, बहुत अच्छी बनी, इतनी घर में तारीफ हुई कि क्या बताएं आप, आपको क्या बनाया था बेटा? गाय के दाल चिकन। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी होती है, बहुत अच्छी तरह समझाती है आप। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने देखे नमक डाल, चीनी डाल दी, ठीक है, चीनी चली गई। इसमें 1/2 teaspoon सॉल्ट, 1/2 teaspoon और इटालिया का ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 teaspoon। ये हमारी वाइट सॉस बन रही है। सब चीज़ें साथ डाल दीजिए और विस्क अपने हाथ में ले लीजिए। दो कप दूध, विस्क ले लें अपने हाथ में। Don't waste anything. लूर पाक का बटर लिया 2 टेबल स्पून, दैट्स 2 ounces, ठीक है, 50 grams। मक्खन लिया, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून बिल्कुल हीव्ड भर के डाल दिया मैदा, दूध 2 कप, क्रीम चीज़ 4 टेबल स्पून पक्की, उसके बाद ब्लैक पेपर 1/2 teaspoon, सॉल्ट 1/2 teaspoon, शुगर 1/2 teaspoon। ये सब कुछ हमने डाल दिया
और अपने हाथ से इसको हम विस्क की मदद से इसको आपको कंटिन्यूसली चलाना है ताकि ये सॉस की शक्ल में आ जाए, थिक वाइट सॉस बन जाए। इसके लिए आपको साल्टिश बिस्किट चाहिए, ये रहे, ठीक है, ये आपने ले लिए। छोटे टिक्की पैक्स मैंने चार लिए हैं पाँच। उसके बाद आपको इसके लिए चाहिए आलू बॉइल्ड एंड मैश्ड, मैंने मोटे मोटे थोड़े चंकी रखे हैं वो रखे हुए हैं। उसके बाद चाट मसाला, लेमन जूस, कुटी हुई लाल मिर्च, समोसे की पट्टी वो रखी हुई है फ्राई की हुई, ठीक है। और स्वीट कॉर्न चाहिए एक कप और बूंदी चाहिए, ये रखी हुई है मेरे पास, ठीक है, बूंदी और सेव ये रखी हुई है, सेव, प्याज चॉप्ड है, टमाटर, आप देखें बस वाइट सॉस बन जाए फिर मैं करती हूँ। आप लोग रमज़ान में वाइट सॉस बना के रख लीजिएगा, ये सारे लवाजमात बना के ये सामने आपके सामने हो। अजान से आधा घंटा पहले इस डिश को असेंबल करें और 5 मिनट के लिए या 8 मिनट के लिए अवन में डाल दीजिए जब तक कि आपकी चीज़ ऊपर की मेल्ट हो जाए, ठीक है। अगर आपको नहीं डालना है अवन में तो मुझे अर्शीन ने कहा था कि आंटी नहीं डालो, कोई बात नहीं, आप ऐसा भी खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा मज़े की होती है बेक करने के बाद, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आपा जानी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं आपा? बहुत शुक्र मालिक का, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, मुझे आपको ये कहना था कि आपने उस दिन क्रिस्पी क्रीमी के जो डोनट सिखाए, बहुत पुरानी फरमाइश थी मेरी। आपने बनाए? नहीं आपा, मेरे पास, मैं आपको बताया है ना, तो फिर फायदा क्या? फ्री हो जाऊं तो फिर फायदा तो नहीं। अभी फौरन बना लेना चाहिए, पता है, तो दिमाग में रह जाता है। नहीं आपा, मैंने एक्चुअली रेसिपी देखी भी नहीं थी, मैंने जब वो फारूक भाई ने मेरे लिंक डाला है ना व्हाट्सएप पर, तब पता चला। लो जी, मैं देख ही नहीं पाई हूँ वो शो, तो मगर मैंने कहा मैं थैंक यू तो कर दूं मेरी आपा का। थैंक यू बेटा, वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम, जीते रहिए। ब्रेक भी आ चुकी है जी, चलें हम अपना डिश ले रहे हैं, ये वाइट सॉस को हम कुक कर रहे हैं, हल्की सी गाढ़ी होगी, इसको मैं उतार लूँगी, ब्रेक से वापस आते हैं, आके इसको असेंबल करते हैं, स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। कॉन्टिनेंटल चाट की वाइट सॉस बन चुकी है और आज हमारे शो पे एक और इतना ज़बरदस्त सा ब्रांड है, डबल ट्रॉली स्पीकर हैं ये। ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, मल्टीपल ऑप्शंस है इसके, इसका नाम है वॉल 2, इसका इसके बहुत हाई पावर है, यू कैन ईजली रीड तरावी ऑन दिस। कितनी ज़बरदस्त सी बात है भाई, घर में बैठ के तरावी पढ़ें इसके ऊपर, और इसकी कीमत है 29,999, ठीक है। और ये ज़बरदस्त से जो फरा परफ्यूम है, ये इंटरनेशनल प्रीमियम फ्रेग्रेंस का ब्रांड है और इन्होंने आप लोगों के लिए तोहफा भेजा है। सवाल आपसे हम ये कर लेते हैं, आपको बताना है फ्रेंच फ्राइज कहाँ की इजाद है, फ्रेंच फ्राइज कहाँ से आया था, कहाँ की इजाद है, पहले कहाँ से ये
इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। और फरा के पास कंप्लीट रेंज है मेन और लेडीज़ के परफ्यूम के, और इसको बकौल उनके कि आप इसको रमज़ान में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त से गिफ्ट पैक्स भी हैं, जो कि गिफ्ट सेट्स जिसमें ये ऑथेंटिक 100% ऑथेंटिक लेदर की वॉलेट्स और साथ में परफ्यूम्स भी दे रहे हैं, ठीक है। चलें जी, ये देखें हमारी वाइट सॉस हो गई। अब यहाँ पे असेंबलिंग पे आ जाइए, ठीक है। असेंबलिंग के लिए हमको लेना है बिस्किट्स, ठीक है। ये देखें, ये एक लेयर इसमें चली गई, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू, मैश करके डालना है, मैश करके डाल दें। मेरे थोड़े थोड़े मैंने चंकी रखे हैं, ये देखें आपको नज़र आ रहा है ना, थोड़े थोड़े मैंने चंकी रखे हैं इसको। पूरे उस पर स्प्रेड कर दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा फरमाइए। हेलो जी, जी फरमाइए, मैं सुन रही हूँ, बोलिए यास्मीन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा बहुत प्यारी लग रही हैं। मेहरबानी जी, जी पूछिए क्या कहेंगी। आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, हमें बहुत पसंद है आपके खाने बनाना, आप भी बहुत पसंद है और खाना भी बहुत अच्छा लगता है। मेरी पहली दफ़ा कॉल मिली है, मैं पहली दफ़ा बात कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया, सवाल का जवाब देना पसंद करेंगी? क्या जवाब, आज का क्या सवाल है, मैंने तो सुना नहीं, हमारी लाइट गई हुई थी। फ्रेंच फ्राइज कहाँ से इंट्रोड्यूस हुए थे, कौन से मुल्क से? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। चलें ठीक है, ओके थैंक यू। अच्छा देखें, ये हमने आलू लगा दिए, ठीक है। अब आलू के ऊपर चूँकि आलू फीके हैं, तो मैं थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्चें और चाट मसाला इस पर हम छिड़केंगे। चाट मसाला ठीक है, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, लेमन जूस चला गया। इसके ऊपर हम डालेंगे समोसा पत्ती, कॉर्न बूंदी, पहले कॉर्न डाल देते हैं, स्वीट कॉर्न इटालिया के बेहतरीन प्रोडक्ट, इटालिया की हर चीज़ जितनी भी इनकी कैंड फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं सब बेहतरीन है। छह पट्टियों को मैंने क्रश कर दिया था, लंबाई में काट के और फ्राई कर दिया था। बूंदी ये आपको हर निमकों की दुकान पे मिल जाती है, बारीक वाली लीजिएगा। मैंने सोक नहीं किए, बिकॉज वाइट सॉस जाएगी वो उसी के ऊपर नरम हो जाएगी। आधा कप जितनी आपने बूंदी डाल दी, ज़रा से इसको प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम बुशरा।
अस्सलाम वालेकुम अप्पा जान, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र जी। पहले तो आप सबको, पूरी टीम को रमजान की आमद मुबारक। खैर मुबारक, अल्लाह ताला सबको नसीब करे रमजान और आने वाले रमजान की और उसकी बरकत है। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन जी, सबके अल्लाह ताला दुआएं कबूल करे। आमीन। और एक तो आपके सवाल का जवाब देना था, फ्रेंच फ्राइज जो है वो बेल्जियम में इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है, और वहाँ से अमेरिकन सोल्जर्स ने इनको फ्रेंच फ्राइज का नाम दिया था वर्ल्ड वार वन में, ठीक है जी, ठीक है। तो ये इस तरह इंट्रोड्यूस हुए बाकी सारी दुनिया में भी। और इसके अलावा आप जान उससे पूछने से, उसने आपने वो पोटैटो फिंगर बनाए थे, क्रिस्पी पोटैटो फिंगर, तो मैंने बनाए लेकिन वो आयल में जाके वो खुल गए थे, तो उसका क्या रीजन होगा? वो सारा उसमें बैटर खुल गया था। आपने आपने ठंडे तेल में डाला है? अच्छा, मतलब उसमें बिल्कुल तेज पूरियों की तरह का गर्म तेल हो? बिल्कुल, डालना है और निकालना है। अच्छा, क्योंकि एक वो एक लॉट तो मेरी चीख निकली, बाकी सारे वो बिल्कुल बिखर गया था। बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल दी, जवाब दिया, थैंक यू सो मच। ये देखिए वाइट सॉस हमारी कितनी बेहतरीन पूरा कवर कर दीजिए। आप सोच सकते हैं, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि कॉन्टिनेंटल चाट भी होगी और इतनी मज़े की होगी। अब इसके ऊपर दो चटनियाँ जाएंगी, एक इमली की और गुड़ की चटनी या इमली और खजूर की चटनी। सारी चटनियाँ आप लोगों ने सीखी हुई हैं मुझसे, अगर याद नहीं है तो मसाला मॉर्निंग के पेज पे जाइए, इवनिंग विद शिरीन के पेज पे जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब से मिल जाएंगी। ये देखिए हमने पूरा कवर कर दिया, अब इसके ऊपर हम डालेंगे इमली चटनी, हरी चटनी, सेव, चीज, इमली और गुड़ की चटनी। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम जी बेटा, आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत एहसान, बहुत शुक्र मेरे मालिक का। आपा ये सवाल का जवाब दूंगी जी, दीजिए। आपा ये फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुए थे? फ्रांस में? बेल्जियम, फ्रांस। चलें ठीक है, आपका सवाल नोट, जवाब नोट कर दिया हमने। और आपा रमजान की बहुत बहुत मुबारक इन एडवांस। थैंक यू, पहले कॉल कर दे। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये देखेंगे, हरी चटनी है, ठीक है, थोड़ा सा, वेरी लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, मुझे बहुत गाढ़ी लग रही है, स्प्रेड नहीं होगी। मैं इसको ओवन में डाल रही हूँ ना, ताकि 10 मिनट के बाद मैं इसको निकाल लूंगी। इसमें आप आराम से 6 से 8 लोग आपकी खा सकते हैं, इतनी मजे की होती है, 6 ही खाएंगे। सेव भर दीजिए, सेव के ऊपर ये चीज रखी हुई है, चीज डालूंगी और इसको मैं ओवन में बेक कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब रेडी हैं, मलाई कबाब, और ये देखें हमारी कॉन्टिनेंटल चाट इज़ डन। चीज़ मेल्ट हो जाए, ठीक है। अब इसको आप सर्व कैसा करोगे, आप स्पैचुला लीजिएगा या जो केक स्लाइसर आता है उससे आप इस तरह से चौकोर निकालेंगे तो वो निकल जाएगी। अच्छा आ जाइए फटाफट कॉर्न पैटिस पे। आलू लिए हैं मैंने बॉइल्ड एंड मैश्ड आधा किलो, उसमें ये देखें चार डबल रोटी की स्लाइस अभी खड़े खड़े मैंने पानी में सोख करके पानी निचोड़ के वो डाल दिए। इसमें जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट, कॉर्न फ्लावर 3 टेबलस्पून, इटालिया का बेहतरीन हर चीज़ हमारे पास इटालिया की जो हम यूज़ करते हैं, इट्स प्राइस विनिंग। 3 टेबलस्पून ही चला गया इसमें कॉर्नफ्लावर इटालिया का। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए, नेचुरली हाथ से ही करना पड़ेगा मुझे भी। अच्छा यहाँ पे मेरे पास फिलिंग के लिए स्वीट कॉर्न 2 टिन चाहिए आपको इटालिया के। 1 टिन मैंने अभी इधर खड़े खड़े चॉपराइज कर लिया है और 1 टिन मेरे पास ये इधर थोड़ा मोटा मोटा है, ठीक है। इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, चॉप्ड अनियन 1 कप, हल्दी 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून। अब हमने इसकी चटनी पीसी है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और लहसुन ये रखी हुई है। हरा धनिया 1 कप लिया था, हरी मिर्चें छोटी तेज़ वाली 4 और 4 जवे लहसुन। ये आपकी फिलिंग रेडी है कॉर्न पैटिस की, इसको आप मिक्स कर लो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, अल्लाह का बहुत एहसान है। वेलकम टू द शो आपा। शुक्रिया बेटा। आपा आपका रेसिपी कार्ड चल रहा था और कल मैंने देखा माशाल्लाह से आपा, वाकई आपकी सारी रेसिपीज इस वीक की जो है रमजान के हवाले से स्पेशली आपा बिल्कुल न्यू है और आपका बहुत शुक्रिया। आप जो आपने अभी चार्ट बनाई है ये बहुत जबरदस्त अमेजिंग है आपका कॉन्टिनेंटल चार्ट। इस दफा की जितनी मेरी रेसिपीज हैं, ये बेचारी दोनों बच्चियां फरीन अरशीन दोनों माँ बेटियां और नाजिया फरान, ये पूरा हफ्ता उन्हीं के नाम है। जजाकल्ला आपा, उनकी उनका भी बहुत शुक्रिया क्योंकि ये सदका जा रही है, अगर आप उन्होंने हमसे शेयर किया है तो मेरे ख्याल से रमजान में तो ये चीजें बनाने के लिए वर्थ ट्राइंग है आपा। ये जो बिल्कुल बेटा जरूर बनाना, उसकी शक्ल देखें कितनी खूबसूरत आई है। जी बिल्कुल आपा, मतलब बिल्कुल अमेजिंग है कि मतलब वो बेक के लिए रखा और ये सब कुछ मतलब बहुत अमेजिंग है। और आपा मैंने आपका मैक्सिकन एनचिलाडा लास्ट बनाया था आपा, बहुत जबरदस्त बने और वो आपा वो तो खैर वो मेरी फेवरेट है, बहुत ज्यादा बनाया लेकिन आपा बहुत जबरदस्त बनती है माशाल्लाह से वो डिश। आपा उसमें कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आपा उसमें कुछ वेरिएशन करके आपा उसी तरह का कुछ नया सिखाइएगा जरूर इस तरह का। अच्छा बेटा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा ये देखिए इसमें मैंने लेमन जूस भी डाला है। अच्छा ये मेरा आलू का मिक्सचर रेडी है। इससे पहले कि ब्रेक आ जाए मैं आपको इधर मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी डालूंगी इसमें, थोड़ी सी हरी मिर्ची, अगर बच्चों के लिए है तो फिर कूट के डाल दें मत डालें।
ठीक है, कॉर्नफ्लावर, आलू। अब जो इसकी जो असल रेसिपी है वो क्या है, ये मैं बनाऊंगी अपने हाथ में पैटी, उसमें कॉर्न की फिलिंग करूंगी और फिर हम अंडे में डिप करेंगे, रोल्स में रोल करेंगे, क्रम्स में, और डीप फ्राई करेंगे, और हरी चटनी जो अभी बनाई है उसके साथ सर्व करेंगे, जो मैंने उसमें ऊपर डाली थी कॉन्टिनेंटल चाट में, ठीक है। लेकिन हमारे शो पे आज है क्रिस्पी फ्राई, तो हम इसको ना ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रहे हैं, हम इसको क्रिस्पी फ्राई का एक पैकेट खोलेंगे, उसमें हम इसको डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। ये भी बेहतरीन ब्रांड है, जापान का ब्रांड है, 60 रुपये का पैकेट मिल जाता है विदाउट MSG, इसमें कोई वो शामिल नहीं है अजीनोमोटो, और 60 रुपये में आप बेहतरीन इससे चिकन या जो भी चीज़ बना रहे हैं, कबाब, कटलेट्स, को भी बना रहे हैं, बड़ा क्रंची इफ़ेक्ट आता है, इससे बड़े क्रिस्पी होते हैं, तो हम ये यूज़ करेंगे। लेकिन असल इसमें है ब्रेड क्रम्स और अंडा, ठीक है। इधर देखें, अच्छा ब्रेक का मुझसे कहा गया है, आप ये देखिए, इसको तो हम यहाँ निकाल लेते हैं, एक आप देखते हुए चले जाओ ताकि मैं ब्रेक में बना लूँ। ये देखें, ठीक है, ये आपने लिया, कप का शेप दे दें, कटोरी जैसा बना लीजिए, थोड़े से ये मोटा से, ये मजे का मेरा तो दिल चाह रहा है ऐसे ही खा लो इसको, रुका रुका, आई लव कॉर्न। ठीक है, चलें जी इसका पैटिस बनाएंगे, उसमें हम रोल करेंगे और फिर इसको हम करेंगे शैलो फ्राई इसी फ्राई पैन में जिसमें हमने वो कबाब किए थे, वरना आप बेशक इसको अंडे में डिप करो, ब्रेड क्रम्स में लगाओ। मैं अंडे में डिप करूँगी, अंडे में करना है तो करें, वरना मैं इसी में ही कर रही हूँ बस। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। यहाँ पे आप देखें हमारे बेहतरीन से कॉर्न पैटिस, हरी चटनी, इमली की चटनी के साथ आप इसको सर्व करिए। क्रिस्पी फ्राई में मैं इसको अंडे में भी नहीं डिप किया है, ना मैंने ब्रेड क्रम्स में किया, आपको बता दिया है, आप क्रिस्पी फ्राई में जो 60 रुपये का पैकेट है उसमें करें तो भी बड़े अच्छे क्रिस्पी हो गए, या फिर अंडे में और ब्रेड क्रम्स में कर लीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। ये देखें क्रिस्पी फ्राई, अब एक देखिए आप,
ये देखिए, आज वेजिटेरियन लोगों की ईद है। हाँ, ये देखें, ये देखते हुए जाइए बिकॉज वक्त आ चुका है द रिकैप का, और आप चल के अभी देखेंगे मलाई कबाब की रिकैप और फिर ये पैचेस की। ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। चिकन मलाई कबाब, अज्जा बोनलेस चिकन उबली 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल हसबे ज़रूरत, दीगर अज्जा, क्रीम 1 पैकेट, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, कटे धनिए के पत्ते 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, फिटे हुए अंडे 2 अदद। तरकीब, क्रीम में रेशा की हुई चिकन और बाकी अज्जा डालकर ब्रेड स्लाइस मिक्स करें और ढककर फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दें। फिर गोल कबाब बनाकर ब्रेड क्रम्स में रोल कर लें, उसके बाद फिटे हुए अंडे में डिप करके गर्म तेल में डीप फ्राई करें। कॉर्न पैटीज, अज्जा उबले आलू आधा किलो, ब्रेड स्लाइस भीगे 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, अंडे 1-2 अदद, कॉर्न मिक्सचर के अज्जा, स्वीट कॉर्न 2 टन, तेल 2 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 1 कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, धनिए के पत्ते 1 कप, हरी मिर्च 4 अदद, लहसुन 4 चबे। तरकीब, आलुओं को अच्छी तरह कुचलकर बाकी अज्जा मिला दें। अब हथेली पर तेल लगाकर आलुओं के थोड़े से मिक्सचर के दरमियान कॉर्न मिक्सचर रखें और रोल करके पैटीज की शक्ल दें। फिर अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स से रोल करके तेल में डीप फ्राई कर लें, उसके बाद निकाल कर हरी चटनी के साथ सर्व करें। कॉर्न मिक्सचर के लिए तमाम अज्जा को मिक्स करें, फिर धनिए के पत्ते, हरी मिर्च और लहसुन को पीस लें और कॉर्न के मिक्सचर में मिला दें। कॉन्टीनेंटल चाट व्हाइट सॉस के लिए अज्जा, मक्खन 2 खाने के चमचे, मैदा 1 खाने का चमचा, दूध 2 कप, क्रीम चीज़ 4 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा, दीगर अज्जा, नमकीन कुकीज़ 1 पैकेट, उबले और कुचले आलू 4 अदद, चाट मसाला हसबे ज़रूरत, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, समोसा पट्टी 6 अदद, स्वीट कॉर्न 1 कप, बूंदी 1 पैकेट, सेव 1 कप, कटी प्याज 1 अदद, कटा टमाटर 1 अदद, धनिया के पत्ते 3 खाने के चमचे, इमली की चटनी आधा कप, हरी चटनी आधा कप, चेडर चीज़ आधा कप। तरकीब, नमकीन कुकीज़ को सर्विंग डिश में डालकर उबले आलू रखें, फिर चाट मसाला छिड़क कर कुटी लाल मिर्च और नींबू का रस मिलाएं। अब समोसा पट्टी में स्वीट कॉर्न, बूंदी, प्याज, टमाटर, थोड़ी सी इमली की चटनी, हरी चटनी और तैयार व्हाइट सॉस डालें, फिर इमली की चटनी और हरी चटनी से डेकोरेट कर दें। उसके बाद सेव, चीज़ और हरा धनिया छिड़क कर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट बेक कर लें। वेलकम बैक, ये हमारे महाबलेश्वर के बेहतरीन सा स्ट्रीट फूड जो कि आप अपने घर में पाकिस्तान में बनाएं। इमली की चटनी, हरी चटनी के साथ आप इसको पेश करेंगे। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा, डिफरेंट चीज़ें।
और क्रिस्पी फ्राई ज़रूर ख़रीदिए। देखें अंडे की भी बचत हो गई और वैसे ही अच्छा मज़े का क्रिस्प क्रिस्प बन गया। क्या बेटा? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं नायब बात कर रही हूँ। जी जी बोलिए बेटा। आपका आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया बेटा। शौक से। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। जज़ाकअल्लाह, खुश रहिए। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए। आज का सवाल था कि अब तो हमारा लकी ड्रॉ हो गया, बहुत लेट हैं। खैर आज का सवाल था कि चिप्स फ्रेंच फ्राइज कहाँ की इजाद है, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुए थे ये? ओके। पर आप थैंक यू बेटा, आपने कॉल की, जीते रहिए, खुश रहिए। जी आज के हमारे तीन विनर हैं फरा परफ्यूम्स के। पहली हैं आमना फ्रॉम हैदराबाद, मेहनाज फ्रॉम लाहौर, फरीन फ्रॉम कराची। आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो। थोड़ा सा आराम से सुकून के साथ बैठ जाइएगा, रमज़ान का महीना आ रहा है, मसाला टीवी पे हर कोई बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। इंशाल्लाह आपको एक आध महीने बाद कॉल आएगी, आपसे आपका एड्रेस लिया जाएगा, आप तक आपका तोहफा पहुँचा दिया जाएगा, वो अमानत है। मसाला टीवी पे कोई भी अमानत में ख़यानत नहीं करता, सुकून से बैठें, ठीक है? चलें जी, इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। कल नहीं हूँ, शेफ नहीं है, बिकॉज़ रमज़ान है। तो ये पूरा हफ़्ता आप रमज़ान की चीज़ें सीख लीजिए मुझसे, अगले हफ्ते इंशाल्लाह वो होंगे। मुझे मेरी टीम को बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कराची के, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, बहुत बिगड़ रहे हैं करोना के। तो खुदा रा अपना, अपने घर वालों का, अपने माहौल का, अपने पड़ोसियों का, अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ख्याल रखें। आप मतलब कराची की कौम तो इस तरह घूम रही है जैसे करोना ख़त्म हो चुका है, जा चुका है। प्लीज़ अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।